तो गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप एक पबजी यूज़र है तो आपके लिए खुशखबरी लेके आया तुम्हारा भाई। जैसा कि तुम सबको पता है कि पबजी समेत 188 एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पबजी इसमें सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर हम पबजी यूज़र्स की बात करें तो इंडिया में जो है 15 करोड़ पबजी यूज़र्स हैं, जिनमें से 2 लाख जो है हर समय एक्टिव रहते हैं। यानी कि ये जो पबजी एप्लीकेशन थी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी इंडिया में और भी बाकी देशों में, जिसको बैन करने के बाद जो है पबजी यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। इसी को देखते हुए अक्षय सर ने जो है पबजी के जैसा ही गेम फौजी जो है लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में, जो कि मेड इन इंडिया एप्लीकेशन होगा। यह हम जैसे पबजी यूज़र्स के लिए एक खुशखबरी है। और दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, अक्षय सर ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया था, जिसमें जो है फौजी का एक पोस्टर अपलोड किया था और उसमें लिखा था सपोर्टिंग पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर मूवमेंट, प्राउड टू प्रेजेंट एन एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी। बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, प्लेयर विल ऑल्सो लर्न अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स एंड 20% ऑफ द नेट रेवेन्यू जनरेटेड विल बी डोनेटेड भारत के वीर ट्रस्ट। यानी कि जो भी इस गेम से 20% पैसा कमेगा वो भारत के वीर ट्रस्ट में जो है ये डोनेट कर देंगे। और यहाँ पर लिखा गया है हम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, प्राउड करते हैं, और ये जो ये वो गेम है जिसमें जो अपने सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस के बारे में सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अक्षय सर ने ट्वीट करके ये जो है डाला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये गेम कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी तक इसकी कोई डेट सामने नहीं आई है। डेट जब सामने आएगी तो अक्षय सर ही ट्वीट करेंगे, क्योंकि अक्षय सर ही इस गेम को लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हो ये गेम भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता जा रहा है इंडिया में। आई होप कि ये गेम जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो, काफ़ी ज़्यादा चले, क्योंकि इससे हमारा तो फायदा होगा ही होगा, हमारे मनोरंजन भी होगा और हमारे भारत के वीर ट्रस्ट में जो है इसका 20% रेवेन्यू भी डोनेटेड होगा। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो गेम इंडिया में ही चले, इंडिया के बाहर भी चले, क्योंकि अपने भारत के वीर ट्रस्ट में इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है डोनेट होगा, जो कि अपने देश के वीर जवानों के काम आएगा। तो दोस्तों आप जो इस गेम के बारे में क्या सोचते हो, आप जब ये गेम आएगा आप इसे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।